हाँ, अब पूरा ऐसे घुमा दो, ऐसे आराम से घुमा देना है ना, पूरे घड़ी सहित धीरे धीरे। चालू है ओ, ना ये इस तरफ कैमरा इस है, साइड पकड़ना, चालू है ना, चालू हो गया। आप तो यहाँ से ऐसे हाथ हटा लेना, वहाँ कैमरा धीरे से, मतलब ज्यादा स्पीड मत करना, घड़ी का भी वो ऐसे दिखेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाते हुए ऐसे जी आइए ना, अब इधर सब लोगों को ले लो, उधर करके नीचे करके आदमी कर लो, इधर आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, आइए ना, ठंडा को भी ऐसे करके ऐसे ले लेंगे। आप ऐसे घुमा के अपने तरफ भी ले लेना, मोबाइल घुमा के आप भी ले जाना। हाँ आ जाऊँ, आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। उधर नीचे अपने आप को भी देख लो, अपने आप आ जाओ। बावन रुपए लू मैं थोड़ा, इतने मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप उधर जाओ। पूरी जानकारी कौन देगा यहाँ का, साथियों? हम लोग छपारा में है, सिवनी जिले के छपारा में, जहाँ पर गोंडवाना की का किला भी रहा है, और यहाँ एक गढ़ी है जहाँ पर गोंडवाना के देवी देवता, और ये भी 9 दिन तक के यहाँ पर शक्ति की पूजा हुई है। तो हम कोयतूर गोंडवाना महासभा, गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ, क्या नाम? लक्ष्मी प्रसाद कुमार। आप बताएं अपना नाम जी। लक्ष्मी प्रसाद कुमरे जी, जी गोंडवाना महासभा के अध्यक्ष जी, जी। तो आप बताएं ये गढ़ी की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पूजा पाठ या क्या इसका इतिहास है जी? सबसे पहले तो मैं, आप भोपाल से आए इस छपारा गढ़ी पे पहुँचे, मेरे जिला सिवनी में पहुँचे, उसके लिए आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि ये घड़ी हमारे पूर्वजों की है, यहाँ किसी समय में हमारे महाराजा राम सिंह उइके जी का राजपाट चलता था जी। और पिंडारियों और हूड़ों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय से हमारा राजपाट यहाँ समाप्त हो चुका है, और उन्हीं के जो किला और जी थी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका था जी। तो अभी 9 अगस्त को हमने देखा कि यार ये सब हमारा जो पुरातत्व, प्राचीन कालीन हमारा जो इतिहास है वो मिटते जा रहा है, क्यों ना हम इसे संरक्षित करें, ऐसे हमारे मन में आया। तो हमने इसको संरक्षित करने के लिए सोच विचार किया, और वो इस संरक्षण के तौर पर हमने इसकी पोताई वगैरह साफ सफाई करके इसको अच्छा किया, और फिर हमारे मन में ऐसे प्रकृति शक्ति फड़ापेन से ऐसा सुझाव आया कि क्यों ना यहाँ पर हम नवरात्रि के समय में अखंड ज्योत जलाएं, जिससे हमारे जो गोंडियन सगा समाज के जो भी पेन शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएं, और हमें से यहाँ वास करें, और हमारे सगा समाज को तन मन धन से हर प्रकार से परिपूर्ण रखने में सहयोग करें, इस तरह से हमारी। तो यहाँ कुछ लोग आते हैं या यहाँ से पूजा पाठ करते हैं, तो
कुछ महसूस होता है कि हमारे पुराने राजे रजवाड़े या पुराने देव शक्तियां जागृत हो रही हैं, कुछ अपेक्षा समझ में आ रही है? जी, हमने यहाँ पे साक्षात महसूस किया जी। जैसे कि हमने यहाँ साफ सफाई किया, बहुत बियाबान टाइप का यहाँ कचरा करकट रखा हुआ था, उतनी सफाई के दौरान यहाँ पर एक हमको बिच्छू भी, एक कीड़ा भी नहीं मिला जी। लेकिन यहाँ दूसरे लोग जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे जो विधान है धर्म का उसको नहीं मानने वाले लोग यहाँ आए, तो उन्हें यहाँ पर साक्षात नाग देवता प्रकट होकर के उन्हें डराया है जी। तो हम तो महसूस कर चुके यहाँ की शक्तियों को। और यहाँ जो 9 दिन तक हमने जागरण किया, उस जागरण में हमें यहाँ जो पंडा बैठे थे उन्होंने भी बताया और हम भी महसूस किया। यहाँ आने के बाद में हमको घर जा कर के चले जाएं या यहाँ स्थान छोड़ दें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, यहाँ आकर के घर जैसे महसूस होता है, हमारे देवी देवालय के बीच बैठे हैं, वहाँ से अच्छी शांति महसूस होती है घर से। तो चलिए, हम छपारा के इस गढ़ी और शक्ति स्थल से बाहर जाते हैं जी। और यहाँ की जो छटा है, निश्चित रूप से गोंडवाना का इतिहास पुनर्जीवित होने की दिशा में है, क्योंकि महासभा के द्वारा, गोंडवाना महासभा के द्वारा जिस तरीके से अपने गढ़ किले देवालयों के संरक्षण में जो लोग लगे हुए हैं, उनके जो पूर्वजों के जो वंशज अभी लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन गोंडवाना का एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है। गोंडवाना एक पुनर्स्थापित, गोंडवाना की पुनर्स्थापना के आसार नज़र आते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ यह हम वापस भोपाल लिए चलते हैं। जय सेवा, जय जवाहर।